न्यूज वर्ल्ड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कोविड-19 के बीच निर्वाचन आयोग ने आकलन कर लिया है कि 2225 बूथ बढ़ाकर चुनाव कराए जा सकते हैं। अगले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइन भेज दी जाएगी। मंगलवार से ही रिटर्निंग अधिकारी व ARO की ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही है। ये रविवार तक चलेगी। बताया जा रहा है कि आयोग ने सभी 18 जिलों के कलेक्टरों से उनकी तैयारी पूछी थी। सभी ने अपनी ओर से सहमत कहना है कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की तैयारियों पर भारत निर्वाचन आयोग जल्द फैसला लेगा। इस बीच चुनाव की आहट को देखते हुए दोनों राजनीतिक दलों व तीसरे मोर्चे ने सक्रियता बढ़ा दी है। स्टेट हेड राजेश सक्सेना लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से रुख साफ करना शुरू कर दिया है। तैयारियां दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी थी। उम्मीद चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टेट हेड राजेश जी, उपचुनाव की तैयारियां तेज अगले हफ्ते तक आ जाएगी और निर्वाचन आयोग ने भी अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव होने की आशंका पर लगभग मोहर लगा दी है। देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव होना है। सितंबर में ये चुनाव होना था, लेकिन जिस तरह से कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने इसको आगे बढ़ाया है, अब बहुत कुछ संभावना है कि अक्टूबर में चुनाव उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र भी चाहता है कि बिहार चुनाव से पहले जिन राज्यों में उपचुनाव होना है वहां पर उपचुनाव करा लिए जाएं। खासतौर पर बीजेपी की जो एक स्ट्रेटजी है वो इस बात को लेकर है कि इस परफॉर्मेंस के आधार पर कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में इसका फायदा वो ले सके, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाया है कि आखिर कौन सी वो तारीखें होंगी जब चुनाव संचालित होंगे। लेकिन चुनाव आयोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कोरोना को लेकर जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां हैं उस पर नजर चुनाव आयोग की है। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिन जगहों पर चुनाव होना है, खासतौर पर अगर हम बात कर लें ग्वालियर चंबल क्षेत्र जहां पर 16 सीटें आती हैं और दूसरी तरफ मालवा का जो वो क्षेत्र है वहां से 8 सीटें हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड से एक सीट है, भोपाल से लगी हुई रायसेन की सीट है, तो ऐसे टोटल 27 सीटें हैं और चुनाव आयोग इसी पर उसकी नजर है कि कोरोना, क्योंकि अभी भी स्थिति जो मालवा में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल में भी यही स्थिति चल रही है, कमोबेश भोपाल भोपाल के आसपास भी यही स्थिति है। तो ऐसे में चुनाव आयोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग किसी भी समय सितंबर में किसी भी समय, और ये माना जा रहा है कि शायद जिस वैक्सीन की बात देश में हो रही है, भारत में हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को कहा था कि शायद वो 15 सितंबर से पहले वो आ जाए और कोरोना कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल होता दिखेगा तो चुनाव आयोग सितंबर में तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी अपनी स्ट्रेटजी अभी से पुख्ता कर रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल सदस्यता अभियान के जरिए जब जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पूरा धड़ा जो आया है, 22 कांग्रेस के विधायक आए, उसी के चलते बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तो 22-23-24 सदस्यता अभियान ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चलेगा। VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, ये लोगों को सदस्यता दिलाएंगे, खासतौर पर उन कार्यकर्ताओं उन नेताओं को जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर पशुपेश की स्थिति है। तो 22-23-24 को एक महाअभियान इसके जरिए चलाया जा रहा है। कांग्रेस भी अपनी पूरी रणनीति चुनाव के लिए तैयार कर चुकी है। जी
एक बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है, और जिस तरह से तैयारियों की बात की जा रही है, कोविड 19 की गाइडलाइन भी जारी होने वाली है, आपको क्या लगता है जिस तरह से बूथों को भी बढ़ाया गया है और तमाम जो कलेक्टर थे उनसे भी परमिशन ले ली गई है? कि अभी लेकिन फिलहाल तारीख चुनाव आयोग अभी भी तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर वो कौन सी तारीख में होंगी जिस दिन चुनाव कराया जाएगा, लेकिन बहुत कुछ संभावना है कि अक्टूबर में जो 27 सीटें हैं वहां पर चुनाव करा लिए जाए। और यही कारण है कि चुनाव आयोग, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, अभी से तैयारियां अपने तरफ से पूरी तरीके से पुख्ता रखना चाहती है। और यही कारण है कि जहां जहां उपचुनाव होना है वहां के कलेक्टर्स को दिशा निर्देश और गाइडलाइन दे दी गई है कि वो अभी से अपनी तैयारी रखें। चाहे हम निर्वाचन की जो सूची है वोटरों की, उसको दुरुस्त करने की बात हो, उनमें नाम जो ऐड होना हो या जिनमें कुछ रद्दो बदल होना हो उसकी बात की जाए, तो पूरी तरीके से कह दिया गया है कि आप अपनी तैयारी रखिए कि किसी भी समय जैसे ही स्थितियां बेहतर होती हैं, खासतौर पर कोरोना को लेकर, और उसके बाद निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, वो इसके लिए तिथियां घोषित करेगा, तारीखें घोषित करेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी ये बिल्कुल कि किन तारीखों पर चुनाव होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ये माना जा रहा है कि अक्टूबर में किसी भी समय चुनाव कराए जा सकते हैं। जी जुड़ने के लिए तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे स्टेट हेड राजवीर सक्सेना जी।